और आज हम बात कर रहे हैं संघ सरकार की, जो कि भाग पांच में है। इसको हम समझाने वाले कंप्लीटली। ये वीडियो आपको आगे काम आएगा चीजों को समझने के लिए। देखते हैं पहले तो संघ सरकार का निर्माण किससे मिलकर होता है, या संघ सरकार के कितने अंग होते हैं। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो सीधी सी बात यह है कि संघ सरकार का जो उल्लेख मिलता है कौन से भाग में मिलता है, पांच में। बोलते भी रहना, भाग पांच में मिलता है। और भाग पांच में कहां से लेकर कहां तक बताओ, 52 से लेकर 151 तक। अगर अपन बेसिक बात करें तो संघ सरकार के कितने अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं। संघ सरकार का आपसे पूछे निर्माण किससे मिलकर होता है, तो कार्यपालिका से, व्यवस्थापिका से और न्यायपालिका से मिलकर होता है। अगर मैं बात करूं कि कार्यपालिका का उल्लेख कहां से कहां तक मिलता है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक मिलता है। व्यवस्थापिका का निर्माण कहां से कहां तक हुआ है बताओ, अनुच्छेद 79 से 122 तक है। और न्यायपालिका का जो उल्लेख है अनुच्छेद 124 से 147 तक है। अपन को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि कार्यपालिका काम क्या करती है। तो कार्यपालिका क्या करती है, कानूनों को लागू करती है, जबकि व्यवस्थापिका कानूनों का क्या करती है, निर्माण करती है। और न्यायपालिका इनकी क्या करती है, रक्षा करती है। अब हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि कार्यपालिका का निर्माण किससे मिलकर होता है। ठीक है, क्योंकि यहां से भी सवाल आता है। तो कार्यपालिका का निर्माण होता है एक तो किससे मिलकर बताओ, राष्ट्रपति से मिलकर। एक होता है किससे मिलकर, उपराष्ट्रपति से मिलकर। एक होता है कौन बताओ, मंत्रिपरिषद। एक कौन होता है, प्रधानमंत्री। और एक होता है कौन, महान्यायवादी। अब इनके मैंने आपको पहले से ही बता दिया, राष्ट्रपति 52 में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति 63 में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद 74 में, प्रधानमंत्री 75 में और महान्यायवादी 76 में। कभी कभी डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है कि महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अपन को इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही करके आ जाते हैं यहां से। पिछली बार अनुच्छेद 75 पूछा गया था रीट में कि प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो बता दिया 75 में मिलता है, यहीं से काम हो गया, अपन को जाने की जरूरत ही नहीं है। व्यवस्थापिका का निर्माण होता है किससे मिलकर बताओ, लोकसभा और राज्यसभा से। राज्यसभा का उल्लेख 80 में मिलता है, लोकसभा का 81 में। न्यायपालिका के अंतर्गत आता है सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करूंगा तो 124 से 147, उसके बाद सीएजी जिसे कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल बोलते हैं, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक हम पढ़ेंगे। सबसे मैं पहले मैं बात करूंगा कार्यपालिका, वन बाई वन अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्यपालिका पढ़ेंगे, फिर व्यवस्थापिका पढ़ेंगे, और फिर क्या पढ़ेंगे, न्यायपालिका। जब जाके हमारा कंप्लीट होगा क्या, संघ सरकार। अब ध्यान दो, कार्यपालिका की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 52 से 78 तक है। और हमने बताया था कि कार्यपालिका का भारत में संसदात्मक स्वरूप अपनाया गया है, और जिसे भारत ने कौन से देश से लिया बताओ, ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन बोले इंग्लैंड से लिया है। ये दो प्रकार का होता है भाई, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो नाम मात्र का होता है, एक कैसा होता है बताओ, एक तो होता है नाम मात्र का, और एक कैसा होता है वास्तविक। नाम मात्र की जो शक्तियां हैं वो किसमें फिट होती है बताओ, राष्ट्रपति में होती है, जबकि वास्तविक शक्तियां किसमें होती है, मंत्रिपरिषद में होती है। लेकिन इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इस तरीके से हम सबसे पहले राष्ट्रपति को देखेंगे। राष्ट्रपति के बारे में हमने देखा कि राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 से और कहां तक मिलेगा 62 तक। अच्छा, राष्ट्रपति को किन नामों से भी जाना जाता है वो भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए देश का पहला नागरिक कौन होता है, देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो इसको क्या भी बोला जाता है, इसको रबड़ की मोहर भी कहते हैं। इसकी मैं बात करूं तो इसे कार्यपालिका का अध्यक्ष भी बोलते हैं, इसे राष्ट्राध्यक्ष भी बोलते हैं, इन्हें तीनों सेनाओं का क्या भी बोलते हैं, कमांडर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स की। अगर आप सेकंडों में सीखना चाहते हैं राष्ट्रपति के आर्टिकल्स कि सर हम तो सेकंडन में राष्ट्रपति के अनुच्छेद सीखना चाहते हैं, अनुच्छेद यहाँ पे अपन बात करेंगे तो यहाँ पे अनुच्छेद 52 से 62 तक है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन सीखेंगे राष्ट्रपति के आर्टिकल्स। तो सेकंडन में कैसे सीख सकते हैं, पका चुनरी का पुनर्योग, सरसपत महाभियोग, बात खत्म। पूरे राष्ट्रपति के अनुच्छेद क्रम से पका चुनरी का पुनर्योग, सरसपत, बोल के बताओ एक बार, याद रख सकते हो ना, आराम से बता दोगे। अब देखो इसका ऑपरेशन करते हैं, इसी लाइन का, पका चुनरी का पुनर्योग, सरसपत महाभियोग। तो पैसे क्या बना बताओ, पद, राष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। कहां से क्या बना, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, अरे राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति कौन से अनुच्छेद में, 53 में है। चुन से क्या बना, चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, अरे राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित रीति रिवाजों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में,
उसके बाद कहां से कार्यकाल, कार्यकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, 56 में। पुनर से क्या बना, पुनर्निर्वाचन, कौन से अनुच्छेद में, बोल नहीं रहा जब सिंह, गजब सिंह बोल, ठीक है। योग से क्या बना, योग्यता, कौन से अनुच्छेद में बता, 58 में। शर्त से क्या बना बताओ, शर्ते, कौन से अनुच्छेद में, 59 में। शपथ से क्या बना, शपथ, कौन से अनुच्छेद के तहत, 60 के तहत। और महाभियोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, महाभियोग कब लगाया जाता है, जब कोई राष्ट्रपति अत्याचार कर देता है, अत्याचार तो क्या अतिक्रमण करता है संविधान के और नियमों का उल्लंघन कर देता है, तब ऐसी स्थिति में महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग लग जाता है तो उसका पद हो जाता है क्या, खाली। और राष्ट्रपति के पद का जो खाली है उसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 62 में। अब हमने ये दो बातें बता चुकी हैं, अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की, कौन से मंडल की बताओ। मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव करवाया जाता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा करवाया जाता है। इस निर्वाचक मंडल का निर्माण किन से मिलकर होता है, तो वो आप सीख लो। निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है एक तो संसद के निर्वाचित सदस्यों से, किन से बताओ, संसद के निर्वाचित सदस्यों से, और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों से, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों से। और आपको कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी याद रख लेने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं आपको ध्यान रख लेने हैं। केंद्र शासित प्रदेश 3 है जो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, एक तो है दिल्ली, एक तो कौन है बताओ दिल्ली, एक कौन है बताओ पांडिचेरी, और एक है J&K जम्मू कश्मीर। अब ध्यान रखना, तो अपन के बात समझ में आ गई कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य। देखो संसद का निर्माण किससे मिलकर होता है तो आपको पता होना चाहिए, संसद का निर्माण होता है भैया लोकसभा से मिलकर, और किससे मिलकर बताओ, राज्यसभा से मिलकर। अब ध्यान रखना, हालांकि संसद के अंग तो होते हैं 3, संसद के कितने अंग होते हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन संसद के सदन होते हैं 2, कितने सदन होते हैं 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो आपको ध्यान रखना है निर्वाचित सदस्य ओनली, जिनके चुनाव होते हैं। अब ध्यान रखना, लोकसभा के 2 सदस्य भाग नहीं लेते हैं और राज्यसभा के 12 सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, इनको खुद राष्ट्रपति बनने के बाद करता है वो लोग क्या, मनोनीत, क्या करता है बताओ, मनोनीत करता है। इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, आगे मैं बताऊंगा, खैर आज तो नहीं बताऊंगा, आगे मैं बताऊंगा। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के 233 सदस्य भाग लेते हैं, कितने सदस्य भाग नहीं लेते हैं, 12 सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो आपके समझ में आ गई होगी राज्यसभा में वर्तमान सीटों की संख्या कितनी है, 245 है, और लोकसभा में 2 सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या 545 है, 2 भाग नहीं लेते हैं, तो कितने भाग लेते हैं बताओ, 543 भाग लेते हैं। तो मुझे बताओ संसद के कितने सदस्य निर्वाचित, संसद के कितने सदस्य निर्वाचित राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, गिन के बता दो, कितने भाग लेते हैं बताओ, 776 सदस्य भाग लेते हैं, कितने लेते हैं बताओ। अब मैं बात बता दूं, दिल्ली के 70 है और पांडिचेरी के 30 है और इसके कितने है बताओ, 87 है। लेकिन आपको ध्यान रखना है द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति है, कौन है बताओ, द्रौपदी मुर्मू के जो निर्वाचन में जम्मू कश्मीर विधानमंडल के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था, हालांकि यहाँ पे विधानमंडल है तो है लेकिन यहाँ पर अभी उसका गठन नहीं हुआ है, इसलिए चुनाव में भाग लेने के लिए तो एलिजिबल है ये राष्ट्रपति के में, लेकिन यहाँ पे गठन नहीं होने के कारण इस बार के चुनावों में भाग नहीं लिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ से सवाल बार बार आते रहते हैं, इस बात को अपन आज नहीं देखेंगे, इस बात को देखेंगे अपन कल, कब देखेंगे बताओ, कल। तो मिलते हैं नए एपिसोड में कल, जय हिंद जय भारत।